हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किन फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। गाइस, मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होता है कि मैम हमारा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो लास्ट वीक में मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था कि कैसे आप लोग अपने फाउंडेशन को काला होने से बचा सकते हो। सेकेंड मुझे ये क्वेश्चन आता है कि मैम हमारे नाक पे बिल्कुल भी फाउंडेशन टिकता नहीं है, बिल्कुल भी फाउंडेशन रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करें? आज का वीडियो उसी के लिए है गाइज। अगर आपके नोज पे फाउंडेशन नहीं रुकता है या फाउंडेशन अच्छा नहीं दिखता है नोज पे, अजीब लगता है, निकल जाता है तुरंत, या आप लोग कितनी भी कोशिश करो फिर भी आपके नाक पे अच्छे से कवरेज नहीं देता है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ना, वो मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा। आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, उसके बाद हर किसी का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना। अगर आप लोग लाइक करोगे तो भी मुझे पता चलेगा आप लोगों को ऐसे टाइप्स के वीडियोस अच्छे लगते हैं, और मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी, ठीक है? सो लाइक करना पक्का, और अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपके साथ एक सीक्रेट तो शेयर करने ही वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने नोज पे फाउंडेशन को हटने से बचा सकते हो, बट उससे पहले जो बेसिक चीजें होती है ना वो आप लोग ध्यान दो। जब भी हम लोग फेस को प्रेप करते हैं, राइट, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फेस को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेकअप में। तो जब भी हम लोग फेस को प्रेप करते हैं तो फेस को प्रेप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका फेस वेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका नोज वेट गीला है, मतलब गीला है, या आपका ब्लेंडर जिससे आप लोग लगा रहे हो वो बहुत ज्यादा गीला है, या ब्रश जिससे आप लोग लगा रहे हो वो गीला है, बहुत ज्यादा अगर कुछ भी गीला रहेगा तो आपका मेकअप नहीं लगेगा। ओके, ये सबसे बेसिक है। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कि अगर आपके नोज पे ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, टेक्सचर है, ठीक से क्लीन नहीं है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। क्लेंजिंग वाइप्स से आपका फेस तो क्लीन हो जाएगा, बट आपके नोज पे जो भी टेक्सचर होता है, मतलब व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, राइट, तो उसको सबको क्लीन करना आपको बहुत जरूरी है मेकअप से पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग अगर बाहर से स्क्रब लाते हो तो वो भी चलेगा, ब्लैक हेड रिमूवर जो स्ट्रिप्स आते हैं, राइट, वो उससे भी आप लोग निकाल सकते हो आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो भी है। या अगर आप लोगों को घरेलू नुस्खे कुछ चाहिए तो आप लोग उसका पाउडर बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कीजिए और उसको लगा के यहाँ पे ना ऐसे सर्कल सर्कल में ऐसे मसाज कीजिए, एकदम क्लीन हो जाएगा। हर एक स्किन टाइप के लिए आप लोग ये कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपके पास थोड़ा सा ब्राउन शुगर है और काकड़ी का रस है तो काकड़ी का रस और ब्राउन शुगर को थोड़ा मिक्स कीजिए और उसको ऐसे सर्कल सर्कल करके आपके नोज फेस पूरा आप लोग क्लीन कर सकते हो। तो ये आप लोग एक दिन पहले रात को भी कर सकते हो, आप सुबह देखोगे ना तो अच्छा आपका नोज एकदम क्लीन हो गया होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी है कि आप लोगों को अच्छे से आपके नोज को क्लीन करना है, टेक्सचर ब्लैक हेड व्हाइट हेड नहीं होना चाहिए, ओके, फिर आपका मेकअप नहीं अच्छे से लगेगा। तो ये दो चीजें हैं। अभी गाइज सब कुछ हो गया है, आपने सब ध्यान रखा है, अपने फेस को क्लीन कर लिया है अच्छे से, तो फेस क्लीन के बाद आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप टोनर लगाते हैं। तो मैं टोनर लगा रही हूं। टोनर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं से ऑयल छूटता है तो वो होता है अपना नोज, राइट। अपने मेकअप करने के बाद आपके नाक से कंटिन्यूस अगर ऑयल छूट रहा है तो भी आपका मेकअप निकल सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को टोनर लगाना है। तो क्लीन करना है फेस को, उसके बाद टोनर लगाना है, टोनर लगाने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ड्राई होने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजर जब भी लगाते हो तो एकदम, मतलब फेस गीला नहीं होना चाहिए आपका, अच्छे से मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब होना चाहिए फेस पे। सीरम अगर आप लोग लगा रहे हो, सीरम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है गाइस, क्योंकि हम लोग जब भी सीरम लगाते हैं ना तो फेस एकदम गीला रहता है, और फिर उससे गीले फेस पे अगर हम लोग फाउंडेशन लगा देंगे ना तो फाउंडेशन नहीं चिपकेगा। फाउंडेशन चिपकने के लिए एक्की होना चाहिए, टैकी, ओके, टैकी मतलब कैसे स्टिकी होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए आपका फेस, तो वो बस आप लोग ध्यान रखना। तो नोज पे भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूं मैं। अभी नेक्स्ट स्टेप जो होता है मॉइस्चराइजर के बाद, हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सिलिका प्राइमर ले रही हूँ। तो ये सिलिका प्राइमर ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, बहुत ही अमेजिंग काम करता है, ऑयली स्किन के लिए तो मतलब ये वरदान है, बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने ऐसे देखा है कि कभी कभी समर में जब भी मैं ये प्राइमर यूज करती हूँ ना तो मेरे नाक से भी फाउंडेशन निकल जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर नहीं लगाएंगे नाक पे। तो आज मैं जो भी आप लोगों को स्टेप्स बोल रही हूँ ना वो एकदम ध्यान से देखना, ये उन लोगों के लिए जिनके मतलब मेकअप बिल्कुल भी टिकता ही नहीं है, कितनी भी आप कोशिश करो बट फिर भी मेकअप निकल ही जाता है नाक से, उनके लिए है ये। तो आपको क्या करना है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमर सिर्फ यहाँ पे लगा रही हूँ, अपने चीक्स पे, हर जगह पे लगा रही हूँ, बट नोज पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि नोज पे हम लोग कुछ और करने वाले हैं आज। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नोज पे हमने प्राइमर नहीं लगाया है, पूरा अपने फेस पे प्राइमर लगा लिया है दूसरे जगह पे।
अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर के बाद हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। आज करेक्शन एंड ऑल नहीं करेंगे, आज का जो वीडियो का मोटिव है वो अलग है, तो इसलिए हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो फाउंडेशन मैं आज एस्टी लॉडर का फाउंडेशन लगाऊंगी और ये मैक का NC35 जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। अगर आप लोग ब्लेंडर से लगा रहे हो गाइस, तो ब्लेंडर आपका डैम्प होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। मतलब अब जितना भी प्रेस करोगे तो भी पानी उससे गिरना नहीं चाहिए। अगर पानी थोड़ा भी गिर रहा है तो मतलब वो गीला है, ठीक है। अब मेरा डैम्प है, मतलब वेट है, बट एकदम मैं कितना भी निचोड़ रही हूँ ना तो भी पानी नहीं गिर रहा है उसमें से, तो मतलब वो डैम्प है, जितना चाहिए उतना है। और ब्रश तो ड्राई ही होना चाहिए, ब्रश कभी भी वेट नहीं होता है, राइट। तो मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ और यहाँ पे ना फाउंडेशन लगा रही हूँ, उसमें डिप करना है और अच्छे से अपने फाउंडेशन को से ले लेके लगाना है, ठीक है। तो अभी हमने नोज पे नहीं लगाया है, पूरे अपने फेस पे लगाया है। तो सबसे पहला जो होता है गाइज कि आपका फाउंडेशन नोज से निकलता है, नोज पे रुकता नहीं है, तो उसका सबसे पहला, बहुत ज्यादा फाउंडेशन आपके नोज पे लगा रहा तो भी ये भी रीजन होता है कि आपका फाउंडेशन निकल जाता है नोज से। तो हमेशा याद रखो कि नोज पे सबसे कम आपको फाउंडेशन लगाना है। बट उससे पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ले रहे हैं मेकअप फिक्सर, नहीं हेयर स्प्रे, ठीक है। तो मैंने एक क्यून का हेयर स्प्रे लिया है। आप लोग जो भी हेयर स्प्रे यूज करते हो, टैफ्ट का हेयर स्प्रे होगा आपके पास, No. 5 या लॉरियल एलनेट का होगा, जो भी आपके पास होगा वो आपको लेना है। मेरे पास क्यून का है, होल्डिंग स्प्रे लेना है, ठीक है, होल्डिंग स्प्रे, शाइन स्प्रे नहीं, उसको शेक करना है। और फिर ये स्पॉन्ज लिया है, दूसरा स्पॉन्ज लिया है मैंने, अपना जो फाउंडेशन का स्पॉन्ज था वो नहीं लिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है अभी, तो ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ये बहुत ही पुराना टेक्निक है, कुछ नया टेक्निक नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इन्वेंट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही पुराना टेक्निक है, बहुत लोगों ने अभी तक ये शेयर भी किया है। और गाइज ये थिएटर्स में और ड्रामास में यूज होता है, क्योंकि थिएटर में जब भी प्लेज एंड ऑल होते हैं ना, तभी एसी एंड ऑल नहीं होता है, राइट। तो तभी मेकअप टिकना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। पहले के जमाने में मेकअप फिक्सर भी नहीं होता था, तो उस टाइम पे सब लोग ये हेयर स्प्रे ही यूज करते थे। बट अभी हम लोग मेकअप फिक्सर यूज करते हैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए, क्योंकि मेकअप फिक्सर इतना हार्श नहीं होता है जितना हेयर स्प्रे होता है। बट अगर किसी के नोज पे बिल्कुल भी मेकअप रुक ही नहीं रहा है, मेकअप फिक्सर हेल्प ही नहीं कर रहा है, उस केस में उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ, आप लोग हेयर स्प्रे यूज करना सेफ है, बट डायरेक्टली स्किन पे आपको स्प्रे नहीं करना है, ओके। मैं वापस बता रही हूँ, डायरेक्टली स्किन पे स्प्रे नहीं करना है आपको हेयर स्प्रे को, आपको हेयर स्प्रे लेना है आपके स्पॉन्ज में, ध्यान से देखना, ओके ओके। स्पॉन्ज में आपने स्प्रे किया, इसको अभी आपको आपके नोज पे प्रेस करना है। तो ये हो गया है अभी शील्ड आपका, ये शील्ड जब भी आ जाएगा ना आपके नोज पे, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अभी नहीं हटेगा। देखो कैसे चिपक रहा है, जस्ट लुक एट दिस, देख रहे हो, आपका फिंगर ही अगर इतना चिपक रहा है हेयर स्प्रे के वजह से, तो आप सोचो अगर आपने आपके नोज पे अभी इसको लगाया है गाइस, इसके ऊपर आप कुछ भी लगाओगे ना अभी, तो एकदम चिपक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, कुछ भी हो जाए, ओके। तो अभी मैं ले रही हूं अपना फाउंडेशन, बहुत ज्यादा नहीं लगा, आपने ब्रश यूज किया होगा या आपने ब्लेंडर यूज किया होगा, उसमें जो भी आपका फाउंडेशन बचा है ना, वही आपको लेना है और इसके ऊपर अभी लगाना है। तो आपने देखा कि मैं कितना कम प्रोडक्ट लगा रही हूँ, राइट, नोज पे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फाउंडेशन नहीं लिया है, जो भी मैंने फेस पे लगाया था, जो भी बचा था ना, उसी को मैं ले रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ अपने नोज पे। इतना कम आपको लगाना होता है आपके नोज पे प्रोडक्ट। मिल गया कवरेज, अच्छा हो गया, अभी फेस नोज सब कुछ एक जैसा ही। और अगर आप लोग ब्लेंडर से लगा रहे हो, तो ब्लेंडर से भी आपको ऐसे ही प्रेस करके, जो भी बचा हुआ रहता है, राइट, फेस को लगा के जो भी बचा हुआ रहता है उसको आपको ऐसे डैप कर। पाउडर लगाने से पहले भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ जल्दी से। प्रोडक्ट आपको लगाना है ये भी आपको पता चल गया होगा, कैसे आपको लगाना है ये भी आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा कंसीलर, क्योंकि आपने हेयर स्प्रे लगाया है तो अब ये आप उसके ऊपर जो भी कुछ भी लगाओगे वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा नोज पे आपके। कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं, ये मेकअप बाय मारियो का की पैलेट है, मीडियम शेड कॉन्टोर पैलेट है। अभी क्रीम पाउडर सब लगा के हो गया है, अभी हम लोग पाउडर लगाएंगे। तो पाउडर लगाने से पहले वापस आपको सेम ट्रिक करना है, आपको आपके स्पॉन्ज में वापस आपका हेयर स्प्रे स्प्रे करना है थोड़ा सा, स्प्रे करके उसको
थोड़ा सा प्रेस कीजिए आपके नोज पे ताकि वो टैकी हो जाए आपका नोज, और फिर अब जब भी पाउडर लगाओगे ना तो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। देखिए ये कितना चिपक रहा है, तो वैसे ही अभी आपके नोज को भी इसने ऐसे स्टिकी कर दिया है। और अभी हम लोग इसके ऊपर हम लोग जब अभी पाउडर लगाएंगे तो पाउडर एकदम चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, जब आईब्रोज हो गए थोड़ा सा मैं ब्लश लगा रही हूँ। थोड़ा लिपस्टिक लगा लेंगे, तो लिपस्टिक के लिए मुझे बहुत लोगों ने पूछा कौन सा लिपस्टिक लगाया है, तो ये शीन का लिपस्टिक है गाइस। शीन का मैंने शेड लिया है, लिप लाइनर का शेड है फर्स्ट कॉफी, ये शीन का ही लिपस्टिक है, डोंट कॉल मी हनी। ओके, ब्राउन लगाया है बेसिकली। सो गाइस लिपस्टिक भी लगा लिया, आई होप आपको आज मुझे जो भी सिखाना था वो आपने अच्छे से सीखा है कि नोज पे फाउंडेशन अगर आपका सेपरेट होता है तो आपको कैसे उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये आपने अच्छे से सीखा होगा। देखो मैं अभी कितना भी रब करूँ ना तो भी कुछ भी नहीं निकला है हाथ में से। तो ऐसे ही आपको मेकअप करना है अगर आपके नोज़ से मेकअप सेपरेट होता है तो। हमने अब प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था नोज़ पे, बट फिर भी मेकअप कितना अच्छे से चिपक गया है स्किन के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ द हेयर स्प्रे। जो भी आपको ट्रिक शेयर किया है गाइस, ये बहुत ही पुराना ट्रिक है, बहुत पहले ज़माने से ही यूज़ किया जाता है, तो सेफ है। बस इतना ही है कि जो भी आपका हेयर स्प्रे वो डायरेक्टली फेस पे कभी भी स्प्रे मत करना, उससे आपके फेस को प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप लोग स्पॉन्ज में लेके थोड़ा सा अगर इसे प्रेस करोगे तो चलेगा। आप लोग देखोगे गाइस कितने भी घंटे आप मेकअप रखोगे ना तो भी आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं। मैंने आई मेकअप नहीं किया है क्योंकि आई मेकअप का मुझे और कुछ शूट करना है अभी। सो जो भी मुझे सिखाना था वो आपने अच्छे से सीखा होगा मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आई मेकअप के बारे में ऐसे ही मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो फ्राइडे को आएगा वीडियो गाइस, तो उसे भी देखना जरूर। अब मैं मिलूंगी आपसे फ्राइडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लाइक करना मत भूलिएगा, ओके, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी को होता है गाइस, तो उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी हेल्प मिलेगी। और अब मैं मिलूंगी आपसे फ्राइडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।